हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस ऑन अ न्यू टॉपिक दैट इज पॉपुलेशन साइज। देखो, पॉपुलेशन साइज होता है और पॉपुलेशन साइज के साथ हम यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ेंगे और पॉपुलेशन होती कैसे इंक्रीज होती है ये भी डिस्कस करेंगे। देखो, पॉपुलेशन जो साइज होता है, साइज डिपेंड अपॉन environmental condition, food availability, कितना food available है इसके ऊपर। तो यहां पे पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? वो फैक्टर होता है एनवायरमेंटल कंडीशन की, वेदर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब एनवायरमेंट कैसा है कि एनवायरमेंट का वेदर कैसा है, एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म के ग्रो होने के लिए फेवरेबल है या नहीं है, राइट। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर कितना है, रेन कितनी हुई है, ये सारे जो फैक्टर होते हैं किसी एक पॉपुलेशन के साइज को डिपेंड करते हैं। उसके अलावा फूड कितना अवेलेबल है, फूड के लिए कंपटीशन कितना है, फूड के लिए कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, ये सारे जो होते हैं पॉपुलेशन साइज को डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी होगी या पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी। इसके अलावा पॉपुलेशन साइज जो होता है वो कुछ फैक्टर पे और डिपेंड होता है। पॉपुलेशन साइज जो होता है, साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा किसकी वजह से? इंक्रीज होगा बर्थ रेट की वजह से। इसे कहते हैं यहां पे नेटिलिटी, बर्थ रेट को बोलते हैं नेटिलिटी, एंड इमाइग्रेशन की वजह से। इमाइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन साइज होता है इंक्रीज होता है, और पॉपुलेशन साइज होता है डिक्रीज होता है डेथ रेट यानी मोर्टिलिटी रेट की वजह से और इमाइग्रेशन की वजह से। पॉपुलेशन साइज डिक्रीज, किस पे डिक्रीज होगा? ऑन द बेस ऑफ मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट के बेस पे एंड ई माइग्रेशन बेस पे। राइट, तो ये चार फैक्टर होते हैं जो जनरली पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। किस तरह से कंट्रोल करेंगे देखिए, लेट्स सी। पॉपुलेशन साइज जो होता है वो इन चार फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी जो पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट करती है, ये चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक होता है बर्थ, जो बर्थ होते किसी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ये पॉजिटिव ऐड करता है। और दूसरा यहां पे होता है दैट्स इमाइग्रेशन, यानी कोई दूसरा इंडिविजुअल होता है, कोई दूसरी पॉपुलेशन से इस एक पॉपुलेशन में मूव करेगा, उसे कहते हैं इमाइग्रेशन। कोई दूसरी पॉपुलेशन से कोई नया इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में जो आया है उसे कहते हैं इमाइग्रेशन। ये भी पॉपुलेशन में क्या करता है, ऐड करता है पॉपुलेशन को। और फिर होती है एक डेथ, डेथ जो होती है पॉपुलेशन को डेंसिटी को डिक्रीज करती है, माइनस करती है। और तीसरा होता है इमाइग्रेशन,
इमाइग्रेशन क्या करता है, इमाइग्रेशन भी किसी पॉपुलेशन को डिक्रीज करता है, तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, राइट। तो ये चार फैक्टर होते हैं जो किसी पॉपुलेशन डेंसिटी को डिसाइड करेंगे या पॉपुलेशन साइज को डिसाइड करेंगे। बर्थ जो होता है ऐड करेगा, इमाइग्रेशन भी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, डेथ और इमाइग्रेशन तो पॉपुलेशन डेंसिटी को, पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करता है। अब इसमें देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए गिवन एरिया, किसी एक एरिया में कितने इंडिविजुअल हैं, राइट। एक टाइम पे उसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। टाइम कोई कंपलसरी नहीं होता यहाँ पे, एरिया कंपलसरी होता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन ए एरिया और पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में हम जनरली करेक्ट निकालते हैं, बिल्कुल करेक्ट आइडिया आएगा उसमें डेंसिटी का, और एब्सोल्यूट में बिल्कुल करेक्ट आएगा। दूसरी रिलेटिव में आप कैलकुलेट एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। कितनी ज्यादा इंडिविजुअल है उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप जस्ट एक आइडिया लगाएंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का जो मेथड होता है पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल होगी नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज अपॉन में एरिया, या स्पेस भी लिख सकते हो एरिया, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज एरिया कितना है उसको निकलेगी, वो निकलेगी पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या निकलेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी निकलेगी। ये इसका निकालने का मेथड होता है। और मैंने पीछे डिस्कस किया कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो चार फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया है। पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड अपॉन बर्थ, डेथ, इमाइग्रेशन एंड इमिग्रेशन, राइट। ये चार फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये पॉपुलेशन साइज में ही आएगी पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हमने ये तो निकाल लिया एब्सोल्यूट जो निकलती है, अब रिलेटिव किस तरह से निकलती है। देखो रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, अब ऐसी पॉपुलेशन जिसका आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो आपने पता कर लिया कि मान लीजिए एक आपने जैसे मान लीजिए कोई एक एरिया माना, जैसे मान लीजिए कोई एक विलेज लिया आपने, वो विलेज जनरली 2 किलोमीटर स्क्वेयर एरिया में बसा हुआ, मान लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वेयर एरिया में है और उसमें थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं, राइट। तो आपने एरिया लिया कि 1 किलोमीटर स्क्वेयर है, इंडिविजुअल कितने, 1000, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी आएगी, 1000 इंडिविजुअल पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया आ गई। या फिर 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1000 इंडिविजुअल है तो 500 इंडिविजुअल पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया आ गई। तो सिंपल आपने एग्जैक्टली से करेक्ट कैलकुलेट कर ली, ये होती है एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव क्या होती है, रिलेटिव में आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, किस तरह कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप रैंडमली निकालते हो, जैसे एक पोंड में कितने पैरामीसियम हैं आप नहीं बता सकते, एक पोंड में कितने फिश हैं ये आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, एक फॉरेस्ट में कितने लोइन हैं आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली करेक्ट, राइट।
तो इस तरह से एक एरिया में कितने इंसेक्ट हैं आप इसको करेक्ट नहीं निकाल सकते, कितने बर्ड्स हैं ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते, कितने फ्रॉग हैं एक पॉन्ड में ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो इसके लिए रिलेटिव डेंसिटी यूज की जाती है। जैसे मान लीजिए हमने एक पर्टिकुलर फिश की पॉपुलेशन काउंट करनी है किसी एक एरिया में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए एक रिवर है, एक रिवर में हमने मान लीजिए हमने लिया कि 10 किलोमीटर स्क्वेयर एरिया लिया और उसमें हमने कई रैंडमली 100 नेटिंग की, यानी 100 बार हमने जाल फेंका उसके अंदर, तो हमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज की जो फिश है वो कितनी मिली। आपने मान लीजिए 10 किलोमीटर स्क्वेयर एरिया में आपने मान लीजिए 100 टाइम्स नेट फेंका, 100 टाइम्स, और उसमें से हम क्या करेंगे, आप फिश कैलकुलेट करेंगे कि एक स्पीसीज कितनी मिली। तो इस बेस पे हमें पूरी पूरी रिवर का एग्जैक्टली आइडिया हो जाता है कि इसमें अप्रोक्स इतनी फिश होंगी, या अप्रोक्स आइडिया निकल जाता है। हमने कुछ नेट बेस पे जैसे 1 नेट ले लिया, 2 नेट ले लिया, 3 नेट ले लिया, इसी बेस पे हमने एक फेस के नंबर कैलकुलेट किए, उनका एवरेज निकाली, और उनके एवरेज से हमें एक रिलेटिव आइडिया हो जाता है कि इस फिश में जनरली इतनी, इस रिवर के अंदर जनरली इतनी फिश हो सकती है। तो ऐसी डेंसिटी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। ऐसे ही मान लीजिए आपको किसी एक लोयन की या किसी टाइगर की या किसी चीता की या पैंथर की, लेपर्ड की आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, या प्यूमा की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, या किसी अदर वाइल्ड एनिमल की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह से करोगे। तो उसके जर्नली पैलेट्स बेस पे या फिर जो पग मार्क्स होते हैं, जो टाइगर की पॉपुलेशन होती है, टाइगर पॉपुलेशन या अदर वाइल्ड एनिमल की होगी यहाँ पे इंक्लूडिंग टाइगर पॉपुलेशन इन ए फॉरेस्ट, ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ये कैलकुलेट होती है ऑन द बेस ऑफ पग मार्क्स, पाँव के जो निशान होते हैं उस बेस पे, एंड पैलेट्स, पैलेट्स पैलेट्स का मतलब इनका जो फिकल मटेरियल होता है, डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, उसके बेस पे। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपने एरिया के जो होते हैं अपने फिकल मटेरियल से, अपने यूरिन से एरिया को अपने एक बाउंड्री बनाते हैं अपने एरिया की, उस बेस पे हम पग मार्क्स और उनके पैलेट बेस क्या कर सकते हैं, उनकी कैलकुलेट कर सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, राइट। ऐसे अगर फिश होती है, फिश पॉपुलेशन इन ए रिवर या ओशन, इन ए रिवर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करने का तरीका होता है नंबर ऑफ फिश इन ए नेट, एक नेट में कितने फिश आई, राइट, एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक फिश कितनी आई उस फिश को हम इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेंगे। अब से बर्ड्स है, अब बर्ड्स की पॉपुलेशन किस तरह निकालेंगे, एक फॉरेस्ट आप देखो किसी एक एरिया में आपको बर्ड्स की कितनी साउंड सुनाई दे रही है, एग्जैक्टली 1 मिनट में कितनी साउंड आ रही है, उस बेस पे आप उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हो। ऐसे ही आप एक फ्रॉग के अंदर कितनी साउंड आ रही है फ्रॉग की, उस बेस पे आप उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हो। तो ये अलग अलग आइडियाज होते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। ये एब्सोल्यूट नहीं होती, ये रिलेटिव होती है। अब देखिए जो पॉपुलेशन साइज में जो पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ रहे हैं, या इसी के अंदर आप पॉपुलेशन डायनामिक भी टॉपिक डाल सकते हो, पॉपुलेशन डायनामिक, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें जो पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी में जो हमने पढ़ा है वो फैक्टर वो पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे दैट्स नेटिलिटी, नेटिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ बर्थ इन ए एरिया, नंबर ऑफ बर्थ
इन ए एरिया इन ए पॉपुलेशन ये क्या कहलाती है? नेटलिटी कहलाती है। सेकंड निकालते हैं मोर्टेलिटी क्या होती है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ इन ए एरिया, नंबर ऑफ डेथ इन ए एरिया इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में कितनी डेथ हुई है ये हमने पीछे कैलकुलेट की थी डेथ रेट, उसी के बेस पे निकलेगी। नंबर थर्ड हम निकालेंगे दैट्स इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है मान लीजिए हमारे पास एक पॉपुलेशन है ए, एक इंडिविजुअल किसी अदर पॉपुलेशन से इसमें मूव करता है, इस ए पॉपुलेशन में मूव किया है तो वो इमिग्रेशन है। वो क्या है? इमिग्रेशन होता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल मूव इन ए पॉपुलेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल मूव इन ए पॉपुलेशन फ्रॉम अनदर पॉपुलेशन फ्रॉम अदर पॉपुलेशन किसी दूसरी पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल मूव करके आया तो इमिग्रेशन कहलाता है। अब इमिग्रेशन क्या होता है? अगर इस पॉपुलेशन से मूव करके कहीं दूसरी पॉपुलेशन में गया है तो क्या कहलाता है? इमाइग्रेशन। मान लीजिए ये ए पॉपुलेशन है, इससे कोई इंडिविजुअल यहां से मूव करके दूसरी पॉपुलेशन में चला गया तो वो इमाइग्रेशन कहलाएगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लेफ्ट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लेफ्ट देयर पेरेंटल पॉपुलेशन, देयर पेरेंटल पॉपुलेशन कितने इंडिविजुअल ने अपने पेरेंटल पॉपुलेशन को छोड़ के दूसरी पॉपुलेशन मूव कर गए राइट तो उसे कहते हैं इमाइग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इमाइग्रेशन कहलाती है राइट। तो ये चार टर्म होती बेसिकली। इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डायनामिक को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एनटी प्लस वन इक्वल टू एनटी प्लस बर्थ प्लस इमाइग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन। तो इस बेस पे हम निकालते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए एनटी का मतलब होता है पॉपुलेशन इन ए टाइम और वन यहां पे एक कॉन्स्टेंट इनिशियल टाइम के लिए लिया गया है। यहां पे पॉपुलेशन साइज एट ए टाइम एट द इनिशियल टाइम मीन पॉपुलेशन साइज जो है इनिशियल टाइम पे कितना है वो उसको कॉन्स्टेंट माना गया है। यहां पे पॉपुलेशन एक टाइम पे कितना होगा जो गिवन टाइम है, जैसे आपने वन ईयर मान लिया तो वन ईयर बाद कितना होगा, तो ये डिपेंड करता है बर्थ कितने हुए हैं, इमाइग्रेशन कितने हुए हैं, डेथ कितनी हुई है और यहां से इमाइग्रेट कितना हुआ है, यानी यहां से कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहां से मूव करके दूसरी पॉपुलेशन में गए हैं, कितने डेथ हुई है, कितने यहां पे बर्थ हुए, कितने यहां पे इमाइग्रेट हुआ है, इन सभी पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा। तो इसे कहते हैं यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज होता है, इस बेस पे डिपेंड करता है। तो एनटी प्लस वन क्या है? पॉपुलेशन साइज, साइज एट इनिशियल टाइम पॉपुलेशन, ये एनटी का मतलब पॉपुलेशन एट ए टाइम जो गिवन टाइम है, पॉपुलेशन साइज एट ए टाइम एट ए टाइम
और बी का मतलब आप सभी जानते हैं, बी का मतलब होता है बर्थ, आई का मतलब होता है माइग्रेशन, डी का मतलब होता है डेथ और ई का मतलब इमाइग्रेशन। तो ये होता है पॉपुलेशन डायनामिक्स या पॉपुलेशन साइज, राइट? तो ये इस बेस पे होता है। तो ये टॉपिक होता कंप्लीट।